नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नटीजन ट्यूटर पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CGL 2023 से जुड़ी अपडेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल नटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप किसी भी अदर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, SSC, UP SSSC, बैंकिंग, किसी भी एग्ज़ाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा चैनल नटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपका CGL 2023 जैसा कि आप जानते हैं, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, आंसर की भी जारी हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पर दोस्तों, इस बार जबकि वैकेंसी हैं बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, लेकिन इस बार दोस्तों आपका जो अभी तक अनुमान है कि आपकी जो वैकेंसी है Tier 1 के रिज़ल्ट से पहले इंक्रीज़ हो जाएंगी। और इसी के रिगार्डिंग दोस्तों, हाल ही में एक RTA रिप्लाई देखा गया है, आप यहाँ देख सकते हो। टोटल 515 पोस्ट इन PA ऐसे इन राजस्थान कैडर। तो यहाँ पर दोस्तों, आपकी PA और ऐसे की राजस्थान में कुछ पोस्ट अभी वैकेंट हैं, चांसेस हैं कि ये पोस्ट आपकी 2023 के द्वारा भरी जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी ये SSC ने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है कि आपके किस जून में कितनी वैकेंट पोस्ट हैं और कितना इंक्रीमेंट होना है। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों, उम्मीद है कि आपके जो पोस्ट हैं राजस्थान कैडर में सीधे आपकी 2023 से फिल की जाएंगी। नेक्स्टली दोस्तों, जो आपका एक और RTI आया है वो ये है कि टोटल 235 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इन PA SA कैडर इज़ टू बी फिल्ड अप इन वेस्ट बंगाल सर्कल। तो यहाँ पर दोस्तों, वेस्ट बंगाल सर्कल में आपकी 235 वैकेंसी हैं, वो आपकी CGL 2023 के द्वारा भरी जाएंगी। ये बात यहाँ पर आपकी सीधे सीधे लिखी हुई है। तो फिलहाल चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, आपकी जो वैकेंसीज हैं उनमें इंक्रीमेंट होगा और मिनिमम 10,000 तक आपकी वैकेंसी जा सकती हैं। तो जैसे ही आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी तो दोस्तों, इन्वर्सली आपका जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ होगा। यानी अगर आपकी वैकेंसी 10K के आसपास हो जाती हैं तो ऑब्वियसली आपका जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास हो जाएगा। यानी जनरल का जो कट ऑफ है आपका 120 के आसपास आप क्लियर कर पाएंगे। तो चांसेस पूरे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, लेकिन फ़िलहाल SSC ने पूरी तरीके से ऑफिशियली नहीं बताया है। रिज़ल्ट Tier 1 का रिज़ल्ट आने से पहले आपको ऑफिशियली पता चल जाएगी कितनी वैकेंसी आपकी 2023 में रहने वाले हैं। अब फिलहाल काफ़ी सारे यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि ये 2024 के द्वारा फिल की जाएंगी। तो अभी दोस्तों, 2024 का यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर अपडेशन नहीं है। ये जो भी वैकेंसी आपकी इंक्रीज़ होंगी फ़िलहाल आपकी 2023 में ही इंक्रीज़ की जाएंगी। तो अगर आपने अभी तक अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो दोस्तों, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज़ अगर आपका स्कोर 130 प्लस या फिर 125 प्लस आ रहा है तो बिल्कुल आपको अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिकॉज़ एट द लास्ट मोमेंट अगर आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होती हैं और उसमें अगर आपका Tier 1 क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप अपने मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसलिए आप अभी से अपने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते रहिए। बिकॉज अगर इस बार क्लियर नहीं होता है एनी हाउ, तो नेक्स्ट टाइम आपकी वैकेंसी में आप आराम से क्लियर कर पाएंगे, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो आपको प्रिपरेशन करनी है एनी हाउ, आपका कितना भी स्कोर हो। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल नटीजन ट्यूटर सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।